मकर संक्रांति, जिसे पूरे भारत में अलग अलग तरीकों और अलग अलग नामों से पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जितने भी बाकी के फेस्टिवल्स होते हैं वो लूनर साइकिल यानी कि चंद्रमा पर बेस्ड होते हैं, पर मकर संक्रांति की खास बात ये है कि ये एकमात्र त्यौहार है जो सोलर साइकिल पर बेस्ड है। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इस दिन सूर्य देव अपने बेटे शनि से मिलने के लिए जाते हैं। ये त्यौहार किसानों का होता है। आफ्टर सेलिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स, किसानों के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, जिससे कि वो खूब हर्षोल्लास और खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों का एक नायाब संगम है। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार से इस त्यौहार को मनाया जाता है। भारत के दक्षिणी राज्यों तथा आंध्र प्रदेश में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन पोंगल नाम की एक बड़ी ही स्वादिष्ट डिश बनाई जाती है, जिसमें कि चावल, दूध, हरे चने, गुड़ से एक स्वादिष्ट मिश्रण तैयार किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इस त्यौहार की तैयारी और जोश तो एक महीने से पहले ही लोगों के घरों में दिखने लग जाती है, जब लोग खूबसूरत रंगोलियां अपने घरों के आगे बनाते हैं, स्त्रियां नाच गाना करती हैं और इस खूबसूरत और अदम्य त्यौहार का स्वागत करती हैं। इस महीने को हम धनुर्मास कहते हैं। अब हम मकर संक्रांति मनाते क्यों हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेट्स गो। धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण जब धरती सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूरज से इसकी दूरी में अलग अलग स्थानों के अनुसार परिवर्तन होता है। कभी ये इक्वेटर पार होता है, कभी कर्क रेखा पर और कभी मकर रेखा पर सूरज का आना जाना रहता है। तो जब सूरज की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है तब नया साल यानी कि नव वर्ष का प्रारंभ होता है और हम उसी दिन मकर संक्रांति मनाते हैं। मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली को मेरी तरफ से शुभ और हैप्पी मकर संक्रांति। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू एंजॉयड, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वेटिंग वेटिंग।